हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलर व्हील के बारे में कि कलर व्हील की डिस्कवरी किसने करी थी और किस तरीके से करी थी, और कलर व्हील के जितने भी फीचर्स होते हैं और कलर व्हील दिखने में किस तरीके से होता है और आप उसे कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलर व्हील के बारे में। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलर व्हील की डिस्कवरी किसने करी थी और किस तरीके से करी थी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सर इसैक न्यूटन ने जो है वो कलर व्हील की डिस्कवरी करी थी, और किस तरीके से करी थी इन्होंने। जो नॉर्मल जो हमारी वाइट लाइट होती है उसको एक प्रिज्म में से गुजारा, तो प्रिज्म जब प्रिज्म में से गुजारा तो उसके बाद जो है जो हमारे रेनबो के जो कलर होते हैं विबग्योर वो उसमें से निकले, फिर उस लाइट को दोबारा से जो है प्रिज्म में से गुजारा, तो उसके बाद जो भी हमारे पास जो कलर सारे निकल के आए उसको जो है एक व्हील में जो एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया उसका, तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो कलर व्हील जो है निकल के आया। तो इस तरीके से जो है कलर व्हील का जो डिस्कवरी है, कलर व्हील का जो इन्वेंशन है वो हुआ। दोस्तों, जो कलर व्हील है उसमें बेसिकली प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों ही टाइप के कलर्स के बीच में एक रिलेशनशिप शो करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कलर व्हील, और इसमें आप देखिए सबसे पहले आप नोटिस करिए रेड वायलेट को, और अब यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ जो आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमें दिखते हैं सारे वार्म कलर, जैसे कि रेड वायलेट हो गया, रेड हो गया, रेड ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो ऑरेंज हो गया और येलो हो गया। फिर सिमिलरली अगर हम येलो से अगर हम राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तब भी हमें जो है सारे वार्म कलर मिलेंगे। और फिर देखिए अब दोस्तों, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है येलो ग्रीन, अब अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ तो हमें मिलेंगे सारे कूल कलर्स, जैसे कि येलो ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू वायलेट हो गया, वायलेट हो गया। अच्छा दोस्तों, मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वायलेट को जो है हम कूल कलर की कैटेगरी में भी रखते हैं और वार्म कलर की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो वायलेट है उसके अंदर ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है कि रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर वो रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो वार्म की कैटेगरी के अंदर आएगा, अगर उसमें ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो जो कलर है वो कूल कलर की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ देखिए आपको जो है कलर व्हील के अंदर भी दिख रही है। फिर दोस्तों, अब आप इस फोटो को दोबारा देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एडिंग रेड, एडिंग येलो, एडिंग ब्लू, एडिंग वाइट, एडिंग ब्लैक, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसके टॉप पे जैसे ग्रीन कलर है उसमें उसके जस्ट नीचे जो एक रेड कलर का मार्क है, तो अब अगर हम ग्रीन में अगर हम रेड कलर मिलाते हैं तो देखिए ये मैरून कलर निकल के आएगा, अगर हम ब्लू ग्रीन में अगर येलो कलर मिलाते हैं तो हमारे पास जो है ये पैरेट टाइप का कलर जो है वो निकल के आएगा। फिर उसके बाद जब हम ब्लू के अंदर जो है वो ब्लू मिलाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है ब्लू ही मिलेगा, और ब्लू वाइट में जब हम वाइट कलर मिलाते हैं तो ये लाइट पर्पल निकल के आ रहा है, और वायलेट के अंदर जब हम ब्लैक कलर मिला रहे हैं तो ये डार्क वायलेट का कलर जो है वो निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से जो ये कलर व्हील आप इसको रोटेट जब इसको करके जो है वो आप सारे कलर्स में जो बाकी जो बचे हुए कलर्स हैं उसमें क्या चीज़ कौन सा कलर जो ऐड करके कौन सा कलर निकल के आएगा, ये सारी चीज़ जो है आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, और दोस्तों ये बेसिकली जो कलर व्हील है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज करा था, अप्रॉक्स 150 रुपीस का था ये, तो इसको भी आप फ़्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अमेज़न की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। और दोस्तों, जितनी भी कलर से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें वो इसको इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो कलर से रिलेटेड अगर आपको बेसिक्स सीखने हैं तो कलर व्हील को समझने के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है जिसको कि आप परचेज़ करके ईज़िली सीख सकते हैं। फिर दोस्तों, जब आप इस कलर व्हील को जब आप पलटेंगे तो पलटने के बाद आपको जो है इसकी सारी स्कीम्स जो है वो इसमें नज़र आएंगी कि टेट्राइड स्कीम, ट्रायड स्कीम, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये बेसिकली जितनी भी स्कीम्स हैं इसके बारे में हम जो है मैंने आपको बताया था कि जो इसका लास्ट पार्ट होगा उसमें सारी चीज़ें अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन कलर व्हील के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कलर व्हील के बारे में बेसिकली इतनी ही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताती हैं आज इसमें। तो दोस्तों, कलर व्हील का जो भी बेसिक्स था वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया कि आप इसे खुद भी परचेज़ करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं,
और ये आपके लिए किस तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो उसे लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।